पहाड़ की शांत वादियों का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई है। रुद्रप्रयाग के गांव में इसके लिए साइन बोर्ड लगाए गए हैं। गांवों के रास्ते पर ये बोर्ड ग्राम सभा की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें गांव के आम रास्तों पर साइन बोर्ड लगाकर चेतावनी संदेश लिखा गया है। रुद्रप्रयाग के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की शिकायत है कि फेरी वाले या बाहरी व्यक्तियों के कारण चोरी, डकैती और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को गांव में रहना होता है और पुरुष को अपने रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकलना होता है, जिसके कारण फेरी वाले व्यक्ति उनको बहला फुसलाकर और प्रलोभन देकर अपने घर से भागने पर मजबूर कर देते हैं और कई बार गांव का शांत माहौल देखकर चोरी की घटना को भी अंजाम देते हैं। यही वजह है कि गांव के रास्तों पर इस तरह का साइन बोर्ड लगाया गया है। फेरी वालों के माध्यम से कई घटनाएं हो रही हैं, बाहर के अपरिचित लोग आ रहे हैं, कई दिक्कतें हो, बहू माँ बेटियों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं और कई जगह सुनने के लिए घटनाएं मिली हैं। गांव में कई लोग ऐसे हैं जो घर में अकेले रहते हैं। यहाँ गांव में बैटरियाँ चोरी हुई हैं, सौर ऊर्जा लगी थी यहाँ गाँव में, 20 सौर ऊर्जा लगे जिनमें से 10 की बैटरी नहीं है। इसलिए हम सारे युवा दल ने मिलकर ये किया कि हमें गाँव में इनको प्रतिबंधित करने। और पहली बार कैमरे पर भेड़िये की मांग। बहराइच में वन विभाग ने मांद के पास 4 कैमरे लगाए, भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश जारी है। सिकंदरपुर गांव के घने जंगलों में मौजूद है। सिकंदरपुर गांव से करीब 5 किलोमीटर अंदर जंगल है और वहां पर ये विशालकाय पीपल का जो पेड़ है वो यहां पर मौजूद है। और इसमें आपको दिखाते हैं सबसे पहले भेड़िया की उस मांद को जहां पर ये रहता है। ये देखिए इस पेड़ के नीचे ये भेड़िये की मांद है। कैमरामैन मदन से कहना चाहेंगे बहुत ही ताजी मांद है, यानी कि फिलहाल जो भेड़िया है वो ऐसा लगता है कि इसी मांद के अंदर रहता है। ये ताजी मिट्टी से बनाई हुई ये खोदी हुई मांद है। ये काफी गहरी मांद है जो इस विशालकाय पेड़ के दूसरी तरफ मिलती है। यहाँ पर कई ऐसी मांदे बना रखी है भेड़िये ने और बताया जा रहा है कि यहीं पर इसी जगह पर रहता है। अलग अलग जगहों पर जो मिट्टी खोद कर उसने यहीं पर मांद बनाई है। ये दूसरी एक छोटी सी मांद आपको नजर आएगी, यहां पर भी मिट्टी खोद करके ये भेड़िया इस जगह पर रहता है। यहीं से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शिकार करने निकलता है। ये तीसरी मांद जो इसने यहाँ पर पास में छोटी सी बनाई है वो आप देखेंगे, यहाँ पर भी उसने खोद रखा है। और यूपी के बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। अब तक 4 भेड़िये पकड़े गए हैं और 2 की तलाश जारी है। देखिए बहराइच से पुनीत शर्मा की एक और ग्राउंड रिपोर्ट। ये वो जंगल है हरदी का जहां से निकल के ये भेड़िया आते थे और गांव वालों का बच्चों पर हमला करते थे, उनका शिकार करते थे। तमाम ये हरदी के गांव वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि भेड़िये का आतंक सबसे ज्यादा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं भेड़ियों को लेकर? धान बचा रहे थे उस दिन, कुलिया पर बैठे थे, 4 दिन हुआ तो यहाँ बांध से गया भेड़िया, तो हम अपना बैठे हुए थे धान बचा रहे थे और भेड़िया गांव को घुसने लगा, तो हम आवाज दिए तो गांव वाले भी दौड़े, तब भेड़िया मैंने भगा के तब यहाँ बांध से फिर निकला खेत से। और यहाँ मेन चीज कोई सुनवाई नहीं, भेड़िया आता है कहो तो 100 नंबर वाले यही बोलते हैं कि उसमें क्या है, उसको हल्ला मचाओ, जाग तू जागो बस। ठीक है, इनसे बात करते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर लगता है? बहुत बड़ा डर लगता है, बड़ी बड़ी हमें तो समस्या है। और अगर पुलिस से कहो तो पुलिस कहते हैं कि हल्ला गुल्ला बचा करके अपना जान बचाओ, बच्चे का जान बचाओ, बाकी अब हम लोग क्या कर सकते हैं। और यूपी के संभल में भी एक जानवर के हमले से गांव के लोग दहशत में हैं। कल जानवर के हमले में 4 लोग घायल हो गए और इस सूचना के बाद डीएम आज खुद उस गांव में पहुंचे, हालात का जायजा लिया। डीएम राजेंद्र पैसी आज बाइक पर सवार होकर बहजुए के शिवराजपुर गांव पहुंचे और इलाके का निरीक्षण किया। डीएम आज पूरे प्रशासनिक अमले के साथ गांव पहुंचे और उनके साथ वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल थे। कल खबर मिली थी कि गांव में भेड़िये के हमले में 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल हो गए। हालांकि लोगों पर किस जानवर ने हमला किया यह अभी तय नहीं। पगमार्क से ये प्रतीति हो रही है कि सियार हो सकता है या कोई पागल कुत्ता भी हो सकता है, लेकिन सियार थोड़ा अधिक लग रहा है क्योंकि इसके पगमार्क बहुत छोटे हैं और इस मौसम में सियार पागल भी हो जाती है। हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, आज हमने बैठक भी ली है और चारों ओर जो हमारे फॉरेस्ट के गार्ड हैं, पुलिस फोर्स है और विकास और प्रशासन के लोग हैं, वो यहाँ रहेंगे। कहीं पर भी कोई दिखाई देता है तो फिर उसको पकड़ा जाएगा।
कल जानवर के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हालात को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलीगढ़ में हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई में भर्ती कराया गया है। उन्हें रेबीज का भी इंजेक्शन लगाया गया है। प्रशासन की टीम गांव में डेरा डाले हुए और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही गांव वालों को जानवर के आतंक से निजात मिल सकेगी।